झाड़ू कैसे पीते रहे साइड पे झाड़ू 50 से 60 रुपए का झाड़ू दिख रहा है बाजार का क्या है बूढ़ी इधर मदिरा पान कर रहा है इधर आप देख रहे टीके ब्लॉग्स। आज हम आए हुए हैं रांची से करीब 20 मीटर के दूरी पे रातू जाने वाले रोड पे, जस्ट लगता है मुख्यमंत्री बाजार जहाँ हम आज आए हुए हैं। इस बाजार में काफ़ी सब्जी का क्रय विक्रय होता है। यहाँ सुबह 5 बजे से सब्जी लाए जाते हैं दूर दूर से, जैसे गांव तरफ से इधर चानो हो गया, मांडर हो गया, बिजूपाड़ा हो गया, इस साइड से लाते हैं और यहाँ बाजार लगाया जाता है और काफ़ी व्यापारी व्यापार करने आते हैं और क्रय विक्रय चलता है। आज मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ मुख्यमंत्री बाजार। यहाँ पर आप लोगों को हर प्रकार की सब्जियाँ मिल जाएंगी और यहाँ पर आप लोगों को यानी खेती बाड़ी करने के लिए बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं और यहाँ बंडा बाजार भी लगता है। दरअसल अगर आप लड़के देख रहे होंगे तो यहाँ बंडा बाजार भी लगाया जाता है जो कि यहाँ फेमस है मुख्यमंत्रियों का। चलिए आप लोग बाजार घुमाता हूँ, फिर आप लोगों से बातचीत करता हूँ। चलिए बाजार घूम, चलिए सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये है मुख्यमंत्री बाजार का कुछ दृश्य है। यहाँ दूर दूर से व्यापारी अपना सब्जी लेके आते हैं और यहाँ क्रय विक्रय होता है। काफ़ी सुबह से यहाँ सब्जी लाए जाते हैं दूर दूर से, जैसे चानो मांडर इस साइड से लाए जाते हैं मुख्यमंत्री बाजार में। और यह बाजार साप्ताहिक बाजार लगता है जो कि सोमवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन लगाया जाता है ये बाजार, जो कि काफ़ी चहल पहल और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इस बाज़ार में, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ बंद गोभी का रेट एक बोरा 1500 रुपये दिया जा रहा है, देख सकते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ सब्जी लाए जाते हैं। यहाँ आप लोगों को फूल गोभी, बंदा गोभी, बीन्स हो गए, भिंडी थोक भाव में मिलते हैं, आप यहाँ थोक से ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है और यहाँ देख सकते हैं बांस से बने हुए टोकरी वगैरह भी लाए गए हैं। इस बाज़ार में आप लोगों को हर कुछ मिल जाएंगे जो आप लोग खरीदना चाहते हैं, जो घर में यूज़ किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दुकानें लगाए गए हैं। बोरे में मूली जो कि 1000 रुपये बोरा प्रति बोरा दिया जा रहा है। और हम बाज़ार की ओर घुस रहे हैं और बाज़ार में मेरे को काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मसाले की चीज़ मिल रहा है इधर। झाड़ू कैसे बेच दे रहे हैं 60 रुपये झाड़ू, 50 से 60 रुपए दिख रहे हैं झाड़ू, दिख रहे हैं झाड़ू का। बाजार में देख सकते हैं गांव में यूज होने के लिए टंगला बसला कुदारी और रस्सी सब बेचा जा रहा है जो कि गांव में काफ़ी यूज होता है। ये एक विलेज मार्केट है, रांची से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, इसलिए यहाँ पे गाँव में यूज किए जाने वाले सामान ज़्यादातर मात्रा में बेचे जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कुल्हाड़ी हो गए, चूहा फंसाने वाला जाल और गुलठा वगैरह भी बेचा जा रहा है इस बाज़ार में, आप देख सकते हैं। और ये बाज़ार अभी काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं है और ये बाज़ार का स्पेशल मुड़ी जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और इस बाज़ार में आप लोगों को कपड़े भी मिल जाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। गाँव के लोग कपड़े बाज़ार से ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि बाज़ार में काफ़ी कम रेट है और यहाँ काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ हर तरह के कपड़े गर्ल्स के लिए और मेंस के लिए भी उपलब्ध है, आप देख ही सकते हैं। कुछ इस तरह से मार्केट लगता है मुख्यमंत्रियों का। ये गांव में बेचा जा रहा है आप लोगों को सब्जी का बेचने के लिए, गांव के स्पेशल जो कि 10 रुपये में बाल काटा जाता है। काफ़ी लोग कटाए होंगे बाल, अगर आप लोग कोई कटाए होंगे बाल ऐसे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। देख सकते हैं इस तरह से व्यापारी अपना सामान लेके क्रय विक्रय करते हैं बोरे में, यहाँ क्रय विक्रय होता है, किलो में भी होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये लोग लाद के ले जा रहे हैं, रथ में ट्रॉली में लाद लाद के ले जा रहे हैं। यहाँ क्रय विक्रय काफ़ी होता है इस बाज़ार में, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप लोगों को फल मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। हम मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं तो हमें फल कहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं तब जाके कुछ रुपये कुछ पैसे अर्न कर पा रहे हैं। हमें इस लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए और थोड़ी बहुत
लगन से काम करनी चाहिए। और चलते चलते हमें लास्ट में बंडा बाजार मिला, जहाँ बंडा मिलती है। और यहाँ भी आप लोग घूम सकते हैं, बंडा पका सकते हैं और खा सकते हैं। ये मार्केट नामकुम से तो छोटा है बट काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी आप लोग बंडा ले के भूंज के खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुखमंदिर बाज़ार घूमा, जो कि रांची से करीब 20 मीटर की दूरी पर लगता है। ये रातू जाने वाला रोड पर लगता है और काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है। और यहाँ बंडा भी मिलता है, बंडा बाज़ार भी लगता है, जो कि थोड़ा काफ़ी छोटा लगता है। नामकुम बाज़ार से काफ़ी छोटा मात्रा में लगाया जाता है। और बाज़ार तो काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग सब्जी लेके आते हैं और क्रय विक्रय करते हैं। और सब्जी का प्राइस यहाँ बहुत कम, मिनिमम रांची के मुकाबले बहुत कम रहता है। प्राइस बहुत कम है यहाँ का, सब्ज़ी का प्राइस बहुत कम, यानी रेट काफ़ी कम है, क्योंकि थोड़ा देहात पड़ जाता है, इसलिए यहाँ रेट थोड़ा कम है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मुखमंदिर बाज़ार कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर कमेंट करें, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें, तभी तो मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को दे पाऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।